Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to start your one more new subject, that is moral value. So this is the book of your moral value subject, and today we are going to start this book. Okay students, so today we will read chapter first of this book, that is Bell the Cat. Okay students, so let's restart it. This is unit 1, value education. Chapter 1, Bell the Cat. This is the name of chapter and this is the number of chapter. So, let's we read first. There was a grocery shop in a town. तो मैं आपको पहले इंग्लिश में रीड करके दिखाऊंगी, फिर आपको हिंदी का मीनिंग बताऊंगी. ओके, देयर वॉज अ ग्रोसरी शॉप इन अ टाउन. एक नगर में एक किराने की दुकान हुआ करती थी. ग्रोसरी का मतलब किराना, शॉप का मतलब दुकान, किराने की दुकान. प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रोसरी शॉप. प्लेंटी ऑफ माइस, माइस का मतलब चूहे, प्लेंटी का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे चूहे उस किराने की दुकान में रहा करते थे. फूड वॉज इन प्लेंटी फॉर देम. फूड, खाना, प्लेंटी, बहुत सारा. तो फूड जो था, जो खाना था, वो उनके लिए बहुत सारा था उस दुकान में, क्योंकि वो किराने की दुकान थी. तो किराने की दुकान क्या होती है? जहां पर हमें तरह तरह के खाने के आइटम मिलते हैं, जैसे चावल, आटा, बेसन, मतलब जो भी खाने का सामान जो हमारा होता है वो सब हमें किराने की दुकान में मिलता है. दे एट एवरी थिंग एंड स्पॉइल ऑल द बैग्स. दे एट एवरी थिंग, वे सब कुछ खा जाते थे, एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स, और सारे बैग्स, जो ये बैग्स दिख रहे हैं आपको, ये जिसमें चावल रखे हैं, आटा रखा है, इन बैग्स में जब वो घुसकर खाते थे खाना, तो जैसे देखो ये चूहा बाहर निकल रहा है इसमें, तो उसने बैग फाड़ दिया. तो दे एट एवरीथिंग, वो सब कुछ खा जाते थे, एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स, और सारे बैग को, सारे थैलों को जो है खराब कर देते थे. स्पॉइल्ड का मतलब बर्बाद, बर्बाद कर देते थे. दे ऑल्सो वेस्टेड द ब्रेड. दे ऑल्सो वेस्टेड द ब्रेड, वे ब्रेड को भी बर्बाद कर देते थे, बिस्किट को भी बर्बाद कर देते थे, एंड और फ्रूट्स ऑफ द शॉप, और दुकान के सभी फलों को भी खराब कर देते थे. द ग्रोसर गॉट रियली वरीड. ग्रोसर का मतलब बनिया. जो ग्रोसरी की शॉप, मतलब किराने की दुकान पर जो शॉपकीपर बैठा होता है उसे बोलते हैं ग्रोसर, हिंदी में बोलते हैं उसको बनिया. तो जो ग्रोसर था, रियली वरीड, ग्रोसर जो है वो वास्तव में परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी जो दुकान थी उसमें चूहे बहुत सारे थे और वो उसका सारा सामान खराब कर रहे थे. तो इसलिए द ग्रोसर गॉट रियली वरीड. तो बनिया जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सो ही थॉट, तो उसने सोचा, आई शुड बाय अ कैट, मुझे एक बिल्ली खरीदनी चाहिए, एंड लेट इट स्टे एट द ग्रोसरी, और उसे किराने की दुकान में छोड़ देना चाहिए. ओनली देन आई कैन सेव माई थिंग्स, केवल तभी मैं अपना सामान जो है बचा सकता हूँ. ही बॉट अ नाइस बिग फैट कैट. उसने क्या किया? ही बॉट अ नाइस, उसने एक अच्छी बड़ी मोटी बिल्ली खरीदी. लेट हर स्टे देयर, और उसे कहाँ छोड़ दिया? किराने की दुकान में, ग्रोसरी शॉप में छोड़ दिया. द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस. तो जो बिल्ली थी, अब बिल्ली को तो चूहे खाना पसंद है, तो बिल्ली के पास जो है बहुत अच्छा समय था चूहे, चूहों का शिकार करने का. हंटिंग का मतलब क्या होता है? शिकार करना. एंड किलिंग देम, और उन्हें मारने का. तो बिल्ली क्या करती थी? बिल्ली जब भी कोई चूहा देखती थी, उसे पकड़ लेती थी और उसे मार देती थी. द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ. तो अब चूहे जो थे, अब चूहों के लिए एक समस्या बन गई थी. जो चूहे थे, जैसे पहले आजाद घूमते रहते थे किराने की दुकान में, वो अब ऐसे आजाद नहीं घूम पा रहे थे. द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ. तो अब चूहे जो है आजादी से नहीं घूम पा रहे थे. दे वर अफ्रेड दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप. दे वर अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब घबराए हुए. वो हर समय घबराते रहते थे कि किसी भी समय बिल्ली ना आ जाए और उन्हें पकड़कर खा ना जाए. द माइस वॉन्टेड टू डू समथिंग. जो चूहे थे वो कुछ करना चाहते थे. वॉन्टेड का मतलब चाहते थे, समथिंग का मतलब कुछ.
तो जो चूहे थे वो कुछ करना चाहते थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक सभा बुलाई। मीटिंग का मतलब होता है सभा, सभा जैसे जहां पर बहुत सारे लोग बैठकर किसी किसी विषय पर बात करते हैं उसे बोलते हैं हम मीटिंग। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक सभा बुलाई। एंड और ऑल ऑफ देम सेड, और सभी ने कहा, और उन सभी ने कहा वी मस्ट गेट रिड ऑफ द कैट, हम सभी बिल्ली से परेशान आ चुके होंगे। उन्होंने मतलब आपस में सबसे पूछा कि हम सभी बिल्ली से परेशान आ चुके हैं। कैन समवन गिव अ सजेशन। सजेशन का मतलब क्या होता है? सुझाव। जब हम किसी को, कोई हमसे हेल्प मांगता है तो हम उसे सजेशन देते हैं ना, सुझाव देते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, या आप ये काम ऐसे कर लीजिए ऐसे सही होगा। तो कैन समवन गिव अ सजेशन, तो क्या कोई सुझाव दे सकता है? उन चूहों ने आपस में पूछा कि क्या कोई सुझाव दे सकता है। ऑल द माइस सैट, सभी चूहे बैठे। एंड थॉट डीपली, और गहराई से सोचने लगे। डीपली का मतलब गहराई और थॉट का मतलब सोचना। गहराई से सोचना मतलब जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ही डीपली सोचने लगते हैं, जब उसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो हम उसे कहते हैं कि थॉट डीपली, मतलब हमने बहुत गहराई से सोचा है उसके बारे में। आ स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड अप, एक चतुर दिखने वाला चूहा खड़ा हुआ। एंड सैड, और उसने कहा द कैट मूव सॉफ्टली, बिल्ली जो है वो सॉफ्टली। सॉफ्टली का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सॉफ्टली, पहले सॉफ्टली का मतलब होता है जैसे बहुत ही कुछ मुलायम हो, लेकिन यहाँ पर सॉफ्टली का मतलब है कैट मूव सॉफ्टली, बिल्ली जो है बहुत धीरे धीरे आराम से चलती है। मूव्स का मतलब चलना, तो कैट मूव सॉफ्टली, बिल्ली जो है अपने कदम बहुत धीरे धीरे रखती है। That is the problem, यही तो समस्या है। Problem का मतलब समस्या। If, अगर, we can tie a bell around her neck, अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, then things will be fine, तो चीजें सुधर सकती हैं, चीजें जो है वो सही हो सकेंगी। We can know the movements of the cat, और हमें बिल्ली की चालों के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर मूवमेंट का मतलब और भी होता है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट का मतलब बताया गया है उसकी चालों के बारे में। जैसे वो चलेगी तो उसके गले में घंटी बंधी होगी, तो उससे क्या होगा, जब वो चला करेगी तो घंटी बज जाया करेगी, तो चूहों को पहले ही पता चल जाया करेगा कि अब बिल्ली आ रही है, और चूहे वहां से भाग जाया करेंगे। यस दैट इज एन ओनली सोल्यूशन, हाँ केवल यही एक सुझाव है। स्टेटेड ऑल द माइस, सभी चूहों ने कहा। एन ओल्ड माउस स्लोली स्टूड अप, एक बूढ़ा चूहा धीरे से खड़ा हुआ। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा हु वुड बेल द कैट। अब सुझाव तो दे चुके थे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधो, लेकिन उस बूढ़े चूहे ने कहा हु वुड बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। आफ्टर सम मोमेंट्स, कुछ देर बाद, मतलब मोमेंट्स का मतलब है यहाँ पे कुछ क्षण, कुछ सेकंड या कुछ क्षण बाद। देयर वॉज नो वन देयर टू आंसर दिस क्वेश्चन, कुछ देर बाद वहां पर कोई भी नहीं था इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। समझे बच्चों, इस पूरी कहानी का मोरल ये है कि एम्प्टी सॉल्यूशंस आर ऑफ नो वर्थ, खाली समाधान का कोई मूल्य नहीं होता। अब आप इसमें देखिए, इसमें एक चतुर चूहे ने ये तो कह दिया कि बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध दी जाए तो हमें उसकी चाल के बारे में, उसके कदमों के बारे में पता चल जाएगा, जैसे ही बिल्ली उठकर चला करेगी हमें पता चल जाएगा और हम भाग जाया करेंगे। अब ये सब सुझाव सबको अच्छा भी लगा कि हाँ ये बात सही है, बिल्ली के गले में घंटी बंधी होगी तो घंटी बज जाया करेगी और हम बचकर भाग जाएंगे, ऐसे ना तो कोई चूहा मारा जाएगा और हम खाना भी खाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, क्योंकि बिल्ली तो बहुत बड़ी है और चूहे जो है बहुत छोटे हैं। अगर कोई एक चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा और गलती से बिल्ली की नजर उस पे पड़ गई तो वो मारा जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का सुझाव तो सही है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो इसलिए इस कहानी का मोरल क्या है, एम्प्टी सॉल्यूशंस आर ऑफ नो वर्थ, खाली समाधान का कोई मूल्य नहीं होता। समझे बच्चों, सो दिस इज द चैप्टर ऑफ योर मोरल वैल्यू बुक, चैप्टर फर्स्ट बेल द कैट। अब आप यहाँ पे देखिए, लर्न एंड फन, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर,
ये पिक्चर किस चीज की है, किस एनिमल की पिक्चर है? ये है माउस की पिक्चर। तो हम यहां पर लिखेंगे माउस, और ये पिक्चर किसकी है? दिस इज द पिक्चर ऑफ कैट। तो वी विल राइट हेयर कैट। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों इसमें आपने देखा, आपको अब ये स्टोरी लर्न हो गई होगी। तो इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है माउस, तो माउस का मतलब होता है एक चूहा, चूहा माउस का मतलब होता है चूहा। और यहाँ पर बताया गया है माइज, माइज का मतलब होता है बहुत सारे चूहे। जब बहुत सारे चूहे हो जाते हैं, चूहा माउस सिंगुलर वर्ड है। मैंने अभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कराया ना सिंगुलर प्लूरल, तो माउस जो है वो सिंगुलर वर्ड है, और माउस का प्लूरल क्या है? माउस का प्लूरल है माइस। ठीक है, आपने अभी इंग्लिश लिट में भी चैप्टर थर्ड पढ़ा है सिक्स लिटिल माइस, तो वहां पर जो है कितने चूहे बताए गए हैं? सिक्स। तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम? माइस। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर चैप्टर फर्स्ट एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।